नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं अजय भारत। बता दें कि मधुबनी में आरजेडी कार्यकर्ता ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर बैठकर लगभग 4 किलोमीटर का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का भी पुतला दहन कर प्रदर्शन को समाप्त किया गया है। देखिए जरा इस वीडियो को। देखिए, हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के आह्वान पर और तेजस्वी जी के आदेश पर हम लोग आज जो बढ़ती महंगाई है, जो महंगाई बेतहाशा बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसके लिए हम लोग आज एक विरोध मार्च निकाल रहे हैं जयनगर शहर में। और साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे विरोध मार्च के बाद। हमारा नाम सुनाज यादव प्रमुख है, जयनगर के पूर्व प्रमुख। इस आंदोलन में महंगाई है बहुत बजोर बढ़ गया, लालू के मोदी के राज में पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, बेरोजगारी बन के पूरा है। इसी के विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और चक्का जाम करेंगे कि इस तरह को भ्रष्टाचारी को मिटाओ। पुलिस प्रशासन भी भ्रष्टाचारी बन गया है, विशेष हम क्या कहें, जय हिंद जय भारत। आज का कार्यक्रम हम लोगों का राजव्यापी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में, ये बिहार में बढ़ रहे महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग सड़क पर उतरेंगे और मांग करेंगे कि डीजल का, पेट्रोल का जो दाम तुमने अप्रत्याशित वृद्धि किया है उसको कम करो। मैं बताना चाहता आपको, यूपीए गवर्नमेंट में जब डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 120 रुपये बैरल था, तो हिंदुस्तान में डीजल का दाम और पेट्रोल का दाम 60 रुपये लीटर था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपको डीजल का दाम 65 रुपये प्रति बैरल है, तो आज बिहार में और हिंदुस्तान में 108 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि आपके इस हिंदुस्तान में जो हमारा डीजल आता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, तो रिफाइनरी के बाद 37 या 38 रुपया उसका दाम वैल्यू होता है हिंदुस्तान में तैयार होके डीजल। लेकिन आज डीजल तो 108 रुपया, 108 रुपया पेट्रोल और 100 रुपया डीजल मिल रहा है। ये कहां का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के प्रधान से कि आप जवाब दो कि क्या हालत है आज प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को। खाद्य पदार्थ में वृद्धि हुई है। आज आप पटना चले जाइए तो 500 रुपया किराया लगता है, दरभंगा चले जाइए बस से तो 200 रुपया किराया लगता है। क्या होगा हिंदुस्तान के आवाम को? आप जवाब दो देश के प्रधान कि आप क्या करना चाह रहे हो।